Hello, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox, and this is our weekly market outlook, wherein we are going to try and look at some crucial levels for Nifty and Bank Nifty for the upcoming week, and also we'll try to create the market outlook. So let's begin. तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर इस वीक हमने ऑलमोस्ट एक एक तरफा अप मूव निफ्टी के अंदर बनते हुए देखा है, जिसके बाद 19,000 के ऊपर निफ्टी बहुत ही कंफर्टेबली सस्टेन करने लग गया है। एंड अब निफ्टी के अंदर मोमेंटम जिसकी वजह से क्लियरली पॉजिटिव हो चुका है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी के अंदर निकल कर आता है, दैट इज दिस रेड लाइन। इसे हम थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं, दिस रेड लाइन विच इज अराउंड 18,900, जो कि जिसके करीब करीब निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई था, जिसे निफ्टी कुछ समय से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो यही देखिए, पहले भी ऑल टाइम हाई था, तो ये निफ्टी के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडर, एंड जब तक निफ्टी इससे ऊपर है तब तक निफ्टी के अंदर मोमेंटम ओवरऑल बुलिश ही रहना चाहिए। एक और मैंने यहाँ पर लेवल मार्क किया हुआ है, दिस इज लेवल विच केम आउट ऑफ द स्मॉलर चार्ट्स लाइक द 15 मिनट चार्ट। यहाँ पर देखिए, जब 30th को यानी कि परसों जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें ओपनिंग के बाद कुछ देर इस लेवल को तोड़ने में निफ्टी को परेशानी हुई, एंड जब यहां पर कंसोलिडेट होने के बाद इस लेवल को निफ्टी ने तोड़ा, यानी कि 19,100 के लेवल को निफ्टी ने तोड़ा, तो भी एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखा। इसलिए अ स्मॉलर सपोर्ट कैन बी फाउंड अराउंड 19,100, एंड ऊपर में तो कोई बड़ा लेवल है ही नहीं। बट ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो 19,350 19,400 की रेंज में एक बड़ा लेवल जरूर निकल कर आता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जरूर निकल कर आती है, बट नीचे में 19,100 एंड उससे नीचे 18,900 तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए है ही। जब तक इनसे ऊपर इंडेक्स है तब तक द ओवरऑल मोमेंटम स्टेज बुलिश। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमने एक अच्छी खासी मूव इस पूरे वीक में बनती हुई देखी है, बट यहां पर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़े सिग्नल्स अलग हैं। वो क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए, जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़ा, उसकी वजह से हम एक दो लेवल से यहां से हटा लेते हैं ताकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर दिखने लग जाए। यहां पर देखिए, फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने यहां पर ये जो लेवल है यहां पर सपोर्ट लेकर ओपनिंग के बाद एक टर्न अराउंड करने की कोशिश की। हम इसको छोटे चार्ट्स को अगर देखें, सो हेयर आफ्टर ओपनिंग पहले ही 15 मिनट में यहां पर देखिए, यहां पर सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी ने टर्न अराउंड करने की कोशिश की, और ये लेवल है 44,500 44,450 की रेंज में। दैट मींस जो फ्राइडे से पहले के ऑल टाइम हाईस थे, जो पहले इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते थे, फ्राइडे के सेशन में वो एक सपोर्ट का काम कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच 44,500 44,450 दिस रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग रेंज इन बैंक निफ्टी। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है तब तक द मोमेंटम इन बैंक निफ्टी स्टेज कंप्लीटली बुलिश। एंड ये जो छोटा मैंने लेवल यहां पर फ्रेम किया हुआ है, ये छोटे ही चार्ट से निकल कर आता है, एंड यहां से जहां पर इंडेक्स ने ये देखिए फ्राइडे के सेशन में 1 बजे के बाद कोई बहुत बड़ी अपमूव नहीं आई, बट फिर भी यहां पर 44,700 के ऊपर इंडेक्स ने तकरीबन 2 सवा 2 घंटे तक लगातार सस्टेन करने का काम किया। तो ये भी एक छोटा लेवल जरूर है जहां पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। जब तक ये लेवल्स मेंटेन हो रहे हैं, सस्टेन हो रहे हैं, तब तक बिल्कुल बैंक निफ्टी के लिए 45,000 को टच करना भी मुश्किल नहीं है। सो 45,000 बिकम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो ये थे दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कुछ क्रूशियल लेवल्स एंड ऑल्सो अ मार्केट आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।